नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन चौधरी सक्सेस प्लस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान एक बड़ा इवेंट हुआ, एक बड़ी दुर्घटना घटित हुई जिसकी वजह से पूरी दुनिया में खलबली सी मच गई। और ये इवेंट क्या था कि यूक्रेन के वेस्टर्न बॉर्डर से बाउंड्री शेयर करते हुए पोलैंड के अंदर एक मिसाइल जो है वो मिसफायर होके यूक्रेन बॉर्डर से तकरीबन 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जाके हिट करती है और वहां पे जो सिविलियंस रहते हैं उनमें से 2 लोग जो है मारे जाते हैं। देखने को ये घटना छोटी सी नजर आ रही है कि सिर्फ 2 लोग मारे गए पोलैंड के, लेकिन ये बहुत बड़ा इवेंट है क्योंकि पोलैंड जो है ये नाटो का मेंबर है। और नाटो का मेंबर होने का मतलब क्या है, नाटो कितना पावरफुल ग्रुप है और इसका जो बेसिक फाउंडेशन है और इसका फंक्शन है वो किस तरह से होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नाटो के अंदर यूएसए, यूके, फ्रांस जैसे ताकतवर देश आते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन और के अंदर जो ट्रीटी साइन हुई थी उसमें ये समझौता हुआ था कि नाटो के किसी भी एक मेंबर के ऊपर अटैक करने का मतलब है नाटो के सभी मेंबर्स को इन्वॉल्व करना। अगर नाटो के किसी एक मेंबर के ऊपर कोई दूसरा देश अटैक करता है तो नाटो के सारे मेंबर मिलके अपने मेंबर को प्रोटेक्ट करेंगे और दूसरे देश के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। ये ट्रीटी है, इतनी ऑफेंसिव ट्रीटी है। तो बेसिकली अगर पोलैंड के ऊपर कोई देश इंटेंशनली मिसाइल दागता है तो अमेरिका भी उस वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है, यूके भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये जो घटना है ये बहुत बड़ी घटना है। तो बेसिकली अगर ये मिसाइल इंटेंशनली रशिया ने पोलैंड के ऊपर दागी होती, सोचिए तो पूरी दुनिया एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना हो सकती थी। अब सवाल ये आता है कि ये मिसाइल कहां से आई, कौन, किसने बनाई, किसने दागी। तो ये जो मिसाइल है ये एक रशिया में बनी हुई मिसाइल थी, तो रशियन मेड मिसाइल थी। सबसे पहले ये फाइंडिंग आती है तो इससे और ज्यादा खलबली मच जाती है क्योंकि रशियन मेड मिसाइल है तो किसने दागी होगी। तो सबसे ज्यादातर लोगों ने यही सोचा कि रशिया ने दागी, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये भी है कि मिसाइल जो रशियन मिसाइल है उनका इस्तेमाल यूक्रेन भी कर रहा है और रशिया भी कर रहा है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यूक्रेन भी रशियन मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है और रशिया भी कर रहा है। तो ये चीजें हो रही हैं। अब लास्ट में सवाल ये बनता है कि ये जो मिसाइल है ये किसने दागी, रशिया ने दागी या यूक्रेन ने दागी। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनिशियल फाउंडिंग्स में इसका क्या आया है और दुनिया भर के देशों ने, स्पेशली नाटो देशों ने किस तरह से इस पर रिएक्ट किया है, रशिया ने कैसे रिएक्ट किया है, यूक्रेन ने कैसे रिएक्ट किया है और पोलैंड जो इस घटना का एक तरह से विक्टिम है उसने किस तरह से रिएक्ट किया है। तो ये आपने न्यूज, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में देखे होंगे कि पूरी दुनिया भर में एक तरीके से इमरजेंसी मीटिंग्स की बात चल रही है कि रशियन मेड मिसाइल जो है वो जाके पोलैंड में हिट करी और जिसकी वजह से 2 लोग मारे गए। अब इसके क्या क्या रिजल्ट आए, क्या क्या हुई उसकी बात करते हैं। तो इस तरह से एक बिल्डिंग पे जाके हिट करी और कहाँ पे हिट करी, एक प्रेजवोडो नाम का एक गाँव है पोलैंड का जो कि तकरीबन 4 मील यानी 6.4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है यूक्रेनियन बॉर्डर से। ट्यूजडे आफ्टरनून को तकरीबन उसी समय जब रशिया जो है एक बहुत बड़ी वेव अटैक कर रहा था, मिसाइल अटैक कर रहा था यूक्रेनियन सिटीज पे, उसी समय एक मिसाइल जो है वो आके पोलैंड के अंदर हिट करती है। और पोलैंड के अंदर जब हिट करती है तो इससे खलबली सी मच जाती है कि ये अटैक कहाँ से हो गया, हालांकि बॉर्डर पे था। तो ये एक पहले से कई बार ऐसा चीजें चल रही थी कि कभी ऐसा हो सकता है कि कोई मिसाइल जो है बॉर्डर्स जो हैं दोनों के, रशिया और यूक्रेन के, वहां पे कोई देश जो है इसका विक्टिम बन सकता है। लेकिन 266 दिन हो गए हैं, 265 दिन निकल गए और ऐसा नहीं हुआ और अब ये जाके हुआ है, ऐसी घटना हुई है कि पोलैंड को भी इस रशिया यूक्रेन वॉर का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। तो उसकी वजह से यहाँ पे खलबली मच गई और सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए कि नाटो कंट्रीज जो है वो एक्टिव हो गए, उनको ये लगा कि हमारे मेंबर कंट्री के ऊपर एक अटैक हुआ है। लेकिन उसके ऊपर बाद में जब एक मिसाइल आके दगी उसके बाद कोई और मिसाइल नहीं आई तो उनको लगा कि ये जो मिसाइल है ये अनइंटेंशनली आई है, ये मिसफायर हुई है, किसी तरीके की गलती हुई है। लेकिन किसने दागी है इसके ऊपर हमें अब एक तरह से तफ्तीश करनी है, इसके ऊपर हमें एक तरह से पूरी कार्रवाई करनी है। तो सबसे पहले जब इसको देखा गया, मिसाइल्स के जो मिले, रुइंस मिले, उससे ये पता चला कि ये जो मिसाइल है ये रशिया में बनी हुई मिसाइल है। लेकिन रशिया में बनी हुई मिसाइल है तो इसका मतलब ये क्लियरली नहीं कह सकते कि रशिया ने ही दागी है, क्योंकि दोनों देश रशिया और यूक्रेन जो है रशियन मेड मिसाइल्स का और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद पोलैंड के प्रेसिडेंट एड्रेंजा डुजो ने ये कहा कि देखिए अभी तक हम इस बात पर क्लियर नहीं है कि किसने ये मिसाइल दागी है और ये कहां से आई है, जब हमारे पास रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम बताएंगे। उसके बाद यूक्रेन ने सीधा ही रशिया को ब्लेम कर दिया। यूक्रेन ने कहा कि ये जो मिसाइल है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, आप जानते हैं उनको, उनको कई बार आपने देखा होगा, उनके इंटरव्यू फोटोज वगैरह भी देखी है, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो मिसाइल है ये रशिया ने दागी है और ये एक नाटो देश के ऊपर हमला है
और ये एक सिग्निफिकेंट एक्सेलरेशन की तरफ हमें बढ़ावा दिया गया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बड़े स्तर पे पहुंचे और रशिया इसका मेन जिम्मेदार है। किसी भी तरीके का एविडेंस दिए बिना उन्होंने रशिया को टारगेट किया और कहा कि ये जो है रशिया ने किया है अटैक। अब ये बात देखिएगा आगे ये बात कहां तक जाती है। तो ये एक बात इन्होंने क्लियरली कह दी कि रशियन मिसाइल ने पोलैंड को हिट किया है, जिसकी वजह से हमारे फ्रेंडली कंट्री यानी पोलैंड के अंदर, हमारा जो फ्रेंडली कंट्री है पोलैंड, उसके अंदर लोग मारे गए हैं और इस सारी घटना का जिम्मेदार जो है वो रशिया है। रशियन मिसाइल जो है, अब समय आ गया है कि रशियन मिसाइल जो है वो दुनिया के किसी भी कोने पर किसी को भी हिट कर सकती हैं। अब हमें उसको पनिश करना चाहिए, अब हमें एक्शन लेना चाहिए, नाटो मेंबर्स को और दुनिया भर को आके रशिया के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो ये जो उनका स्पीच था, ये जो उनकी बात थी, ये काफी वॉर को या फिर पूरे कॉन्फ्लिक्ट को एक्सेलरेट करने वाली थी, जिसमें कहीं भी उन्होंने कोई एविडेंस शो नहीं किया कि रशिया ने ये अटैक किया है, रशिया ने मिसाइल फायर करी है। तो ये इस तरीके से उन्होंने नाटो देशों को एक तरह से भड़काया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आगे आप घटनाक्रम को समझते जाएंगे तब चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद अभी G20 समिट हो रहा था और G7 हो रहा था, उसकी मीटिंग चल रही थी, उसी दौरान मीडिया ने पूछा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से कि भाई बताइए किसने किया है अटैक और नाटो इस पे क्या एक्शन लेगा, आपके अलाई के ऊपर अटैक हुआ है, नाटो तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट अलाई होते हैं ना। तो इन्होंने कहा कि जो कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें ये शो करती है कि मिसाइल जो है वो रशिया से फायर नहीं हुआ है, उसकी जो ट्रेजेडरी हमने देखी है, जिस तरीके के हमें अभी तक मिले हैं एविडेंस, उससे हमें यहां तक नहीं लग रहा कि रशिया ने दागा है। तो अभी तक हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं कि किसने दागा है, लेकिन अभी हम किसी एक्शन लेने के कोई मूड में नहीं है और हम इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन में पोलैंड को हम पूरी मदद करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके रिपोर्ट्स आई, सारी चीजों के इन्वेस्टिगेशंस हुई, इन्वेस्टिगेशंस के दौरान क्या क्या आता है उसकी बात करेंगे। और नाटो ने इसमें यह कह दिया उसी दौरान कि रशिया ही इसका अल्टीमेट जिम्मेदार है। अब ये मिसाइल जो है वो रशिया से आई कि यूक्रेन से आई, उसका तो बोले अभी हम खंडन नहीं करते, अभी हमें पता नहीं है, हम उसकी जांच करेंगे, लेकिन रशिया जो है अग्रेसर है, उसने जिस तरीके से यूक्रेन को हिट किया है, हो सकता है वही जिम्मेदार और उसकी मिसाइल आई हो या यूक्रेन की मिसाइल आई हो, लेकिन इस पूरी घटना का जिम्मेदार तो जो है वो सोली रशिया ही है। यूक्रेन तो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, वो तो अग्रेसर है ही नहीं, रशिया की जिम्मेदारी है। और अगर इस इंसिडेंट में रशिया का इन्वॉल्वमेंट मिला, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मिला, तो उसके ऊपर हम रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको कार्रवाई करेंगे, ये बात हुई। लेकिन उसके बाद जो है रशिया का रिस्पॉन्स भी आता है। रशिया ने कहा, क्लियरली कह दिया कि हमने ये मिसाइल नहीं दागी है, हमारी तरफ से ये मिसाइल नहीं आई है, और ये जो मिसाइल है ये मिसफायर करी गई है, किसकी तरफ से, यूक्रेन की तरफ से। ये बात कही और इन्होंने कहा, पोलिश मीडिया को भी टारगेट किया कि जो पोलैंड का मीडिया है और ऑफिशियल जो यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं वो डेलिबरेटली प्रोवोकेट कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को एक्सेलरेट करने के लिए, वो इस वॉर को एक बड़े स्तर पे ले जाना चाहते हैं, रशिया वर्सेस नाटो करना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। और ये अगर आप करोगे तो इसका नतीजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने वेनसडे को, मतलब आज ही सुबह, उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ है, ये जो दुर्घटना हुई है, ये जो मिसाइल मिसफायर हुई है, इसका जिम्मेदार जो है वो यूक्रेनियन एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं, उनकी वजह से उन्होंने ये मिसाइल जो है मिसफायर कर दी, हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। इवन रशियंस ने तो, रशियन आर्मी ने तो यूक्रेन और पोलिश बॉर्डर के तकरीबन 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कोई भी मिसाइल दागी ही नहीं। तो 35 किलोमीटर तक हमारी मिसाइल नहीं गई, तो पोलैंड के अंदर तो हमारी मिसाइल जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो रशिया ने अपना पल्ला झाड़ लिया, यूक्रेन ने रशिया के ऊपर दाग लगा दिया आरोप। तो बेसिकली सवाल ये आता है कि भाई किसने फायर करी, पोलैंड के ऊपर मिसाइल कहाँ से आ गई, आसमान से थोड़ी टपक गई, ये सवाल आता है। तो बेसिकली सारे रिजल्ट आए, सारी ट्रेजेडरी वगैरह देखी, एविडेंस निकाले गए और फाइनली ये पता चला कि यूक्रेन के अंदर से ही ये मिसाइल जो है मिसफायर हुई है। पोलैंड के अंदर जो मिसाइल गई वो यूक्रेन से गई है, ना कि रशिया से। इसमें मल्टीपल आर्टिकल्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, मिंट का आर्टिकल दिख रहा है यहाँ पे, गार्जियन का दिख रहा है आपको आर्टिकल दिख रहा है, सब में यही बात बताई गई कि भाई मिसफायर हुई है यूक्रेन से, इंटेंशनली नहीं किया गया, अनइंटेंशनली गलती से हो गया, लेकिन किया किसने है, यहाँ पे यूक्रेनियन फोर्सेस की वजह से ये हुआ है, ये एक सेंसिटिव इश्यू है। उसके बाद यूक्रेन ने भी इसके ऊपर जवाब दिया, उनको कहा कि ओके हमसे हो गई ये गलती, एक सेंसिटिव इश्यू है, लेकिन हम तो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, इसका जिम्मेदार तो रशिया ही है, हम इस घटना को के लिए, हम एक तरह से वो कहते हैं कि ये हुआ जो उसके लिए गलत हुआ, लेकिन बेसिकली इन्होंने अगेन रशिया को दोषी ठहराया और इवन नाटो ने भी रशिया को दोषी ठहराया और ये कहा कि देखिए पोलैंड की सरकार ने कहा कि ये जो हुआ है ये घटना अनफॉर्चुनेट थी, गलती से हुई है,
ये हम मानते हैं कि यूक्रेन ने इंटेंशनली नहीं किया। तो बेसिकली यहां पे मामला जो है थोड़ा सा इजी गोइंग हो गया कि अब जो मैटर है नाटो वर्सेज रशिया नहीं होगा, क्योंकि रशिया की इसमें कोई गलती नहीं है, रशिया इसमें पार्टी नहीं है। और यहाँ पे हम इनके पोलैंड के राष्ट्रपति ने भी ये कह दिया कि हम इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट था, घटना दुर्घटना हुई, हम मानते हैं कि यूक्रेन ने जानबूझ के नहीं किया और हो गया। तो बात ये आती है, सारा मामला तो ठीक है, लेकिन क्या यूक्रेनियन राष्ट्रपति या यूक्रेन ने इंटेंशनली नाटो के सपोर्ट को गेन करने के लिए दुनिया से झूठ बोला? क्या उन्होंने झूठ बोल के ये कहा कि रशिया ने ये मिसाइल दागी है बिना किसी एविडेंस के? क्या उनको पता था पहले से कि ये हमसे गलती हुई है और उसके बावजूद भी उन्होंने झूठ बोला? क्या उनको नहीं पता था उसके बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि रशिया ने डाली है दागी है, जब बिना किसी एविडेंस के ये बात कहना और इस कॉन्फ्लिक्ट को जो कि दो देशों के बीच चल रहा है उसको ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बना देना, नाटो का मदद लेने के लिए अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए इस इंसिडेंट को ग्लोबल कर देना, ये भी तो एक खतरनाक बात है, ये भी तो एक खतरनाक प्रोवोकेशन है। तो ये भी बात इसमें सोचने की है। आपको क्या लगता है कि जानबूझ के झूठ बोला या फिर बस उन्होंने बोल दिया कि ठीक है हमसे, उनको पता नहीं था कि उनके देश से हुआ कि सामने से हुआ? आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो का अंत हो चुका है तो सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पे आपको इन वीडियोज की पीडीएफ मिलेंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोर्सेज भी मिलेंगे बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस में, जहाँ से आप इन वीडियोज की, इन कोर्सेज के अंदर वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ और इनसे रिलेटेड टेस्ट भी दे सकते हैं। और हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की जो सीरीज है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, तो ये भी आप जरूर परचेज कीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट हो। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, सक्सेस प्लस एकेडमी के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।